अज असी जिहड़े यूक्रेन दे विच साडे विद्यार्थी फसे ने जां जिहड़े दूसरे भी लोग फसे ने, खासकर विद्यार्थी ने ज़्यादा पंजाब दे और अमृतसर दे, अज अमृतसर दे जिन्ने परिवार मेरे को जिहड़े लिस्टड सी उन्हां सारे नूं अज बुला के उन्हां दे माँ बाप नूं मिलिया और उन्हां नूं भरोसा दित्ता कि असी अपने वल्लों पूरी कोशिश कर रहे हैं और उत्थे बह के उन्हां तों वी विचार लिया कि तुसीं की चाहुंदे असी जिहड़ी हैल्प कर सकीए। मुश्किल हुण इस गल दी है कि जिवें खारगी जिहड़ा एरिया यूक्रेन का, वो जिथे बॉर्डर पोलैंड का खुला है या रोमानिया का, उत्थों तक आना बड़ा मुश्किल है, जब 1500 किलोमीटर के करीब पै जाता, 1400-1500 उन्होंने रशिया लागे पैंदा, बैलारूस लागे पैंदा। हुण इन्हां दी मसला यह सी कि तुसीं जिहड़ी सरकार नाल गल करके उन्होंने कहो जी बैलारूस जां रशिया राहीं बच्चों नूं कढ़िया जावे, 50-60 किलोमीटर है कुछ एरिया जिहड़ा कीव दा उधर सी लग जांदा लागे, उहदे सी दे रस्ते वी जिहड़े साडे रैड सी जिहड़े साडे वड्डे जहाज खलोते ने उहनां राहीं वी बच्चे कढ़े जा सकदे आ। सो मेरा मकसद है कि जिहड़ी सरकार है वह गैर जिम्मेवाराना जिहड़ा रोल अदा कर रही है, जो इन्हां दी फीलिंग तो मिले, क्योंकि जो एंबैसी के ऑर्डर कोई देंगे ने रात में इन्हें कहता जिमें कि तुम चले जाओ स्टेशन वालू चले जाओ या निकल जाओ, हूँ सवेरे ऑर्डर कह रहे नहीं निकलो, जो इन्होंने पता कि उत्थे शैलिंग हो रही है बंबार्डमेंट हो रही है, जिन्ना चर तुहाडी किसी सरकार नाल गल नहीं मुकदी तुसीं अपनी एंबैसियां तों किवें इह ऑर्डर दे पास कर सकते। सो जिहड़े इन्हां दी एडवाइजरियां वी निकलदियां ने उह ग्राउंड हकीकत तों बहुत दूर ने, एडवाइजरियां कढ दिंदे आ कि तुसीं पहले गूगल पर अपना रजिस्टर्ड हो जी, फिर तुसीं बॉर्डरों नूं चलो जी, हुण उत्थे ना कि इंटरनेट आ, लाइट है नहीं गी, बच्चे किस हालात च ने, तुहाडे कोल जदों इंडियन पासपोर्ट है तुसीं अपने बॉर्डरों के उत्ते खड़े करो अपने एंबैसियां दे बंदे, जिहदे कोल इंडियन पासपोर्ट है तुसीं रैकोगनाइज़ करो, उहनूं चैक कर लो एक साइड ते बिठा के, उहनां नूं अंदर करी जाओ। हुण पोलैंड दे बॉर्डर दे उत्ते जिहड़े आ उह मुश्किलां आईआं ने, क्योंकि तो उन्होंने कोई गूगल राही नहीं डाउनलोड फार्म हो सके, नहीं रजिस्टर्ड हो सके, उन्होंने रिसीव नहीं कर रहे, इतने बह के एडवाइजरियां जारी कर देंगे। दूजा एंबैसियां जिहड़ियां ने वो राशन पानी भी नहीं पहुँचा रही, रसद मुक्की जा रही बच्चों के कोल, बच्चों के पेरेंट्स जिहड़े बहुत मतलब घबराए हुए आ, असीं उन्हां सारयां ने यही रिक्वेस्ट कर रहे कि तुसीं घबराओ ना, असीं अपने लो पूरे एफर्ट कर रहे हैं और आ एक दे दिन दे विच असीं जिहड़ा दिल्ली जा के पूरा इन्हां दे नाल कल पहुँचना है और सरकार के विरुद्ध असी एजीटेशन करना भी एजीटेशन भी करा, अं बच्चे अपने इदा नहीं रहन देना। उत्थे जिवें हुण खारगी विच कह रहे कोई 4000 कह रहे, कोई 4500 कह रहे, वो अलग अलग ने बच्चों ने जिते जिते तक किसी की मतलब गलबात हुई है, पर असी ये कहने कि असी जिहड़ा ये बच्चे ने उत्थों सरकार कढ़न दा कोई ना कोई तरीके दे नाल, चाहे रशिया दे नाल गल करे कि तुसीं साडे बच्चे तो चलो बाहर आ लैंदो, ये सरकार कर सकती है। हुण मोदी साहब सारे हुण लोकी उन्होंने फॉलो कर रहे हैं जी, वो तो कितने कभी कितने जाके मतलब गल कर रहे, मन की बात उन्हें एक भी नहीं जिक्र किया कि बच्चे साढ़े फसे ने, 20,000 बच्चा हिंदुस्तान का फसया हो, तुहाडे मन ते कोई दर्द ही ना हो इस गल का, साडियां ने मैंबर पार्लीमेंट दियां जिहड़े ईमेल ने उन्हां दा तुसीं रिप्लाई नहीं दे रहे, वो आउटो रिप्लाई ते लाया है, जो तुम सानू रिप्लाई नहीं दोगे असीं लोगों को की दसांगे। ए एम पी साहब ने तो बहुत भरोसा दिता, मेरी बेटी है खारगीव है, खारगीव दे विच सरफनिया दे विच गई है, मतलब खारगीव दे विच 4-5 स्टेशन है, उहदे विच इक आंदा सरफनिया, उत्थों दे मैट्रो स्टेशन की बेसमेंट दे विच उन्हां नूं अज पंजवां दिन है, उत्थे सरवाइव कर रहे हैं, उन्हां को खाण दा समान भी कोई नहीं पहुँच रहा, तो अपना कहनी जिहड़ा थोड़ा बहुत उन्हां कोल हैगा सी वो भी खत्म हो गया, हुण ते पानी की सप्लाई भी नहीं, मतलब कहिंदे आ कि भई पानी भी खत्म हो जाना, तो बेसमेंट जे रह रहे है, ठंड इन्नी है, 2 डिग्री सारा टैंपरेचर है, जबकि इस तो भी घट होएगा, तो वो बच्चे हुण बच्चों का हौसला जिहड़ा ना वो जवाब दिंदा है। मेरी बेटी है वो मैडिकल की स्टूडेंट है 4th ईयर की, इंडिया रशिया का बड़ा अच्छा आपस के रिलेशन है शुरू तो ही रहा, तो साढ़े अपना एम पी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब नू थोड़ा प्रेशराइज करके यह कहन कि जिहड़ा रशिया दे विच कुछ नहीं है, रशिया अटैक कर रहा, रशिया दे उत्ते कोई अटैक नहीं हो रहा, वो बिल्कुल बार्डर खारकीव जिहड़ा खारकीव बिल्कुल रशिया दे नाल है, जिस तरह साडा अमृतसर तो लाहौर है, वो इस तरह मतलब रशिया वाले अपनियां गड्डियां च अपनी सेफ्टी ते इंडियन फ्लैग जिहड़ा लगा के वो कहिंदे कि इंडियन फ्लैग नू कोई कुछ नहीं कहिंदा, वो बच्चियां नू कढ़न, मैं नहीं कहता मेरा बच्चा कढ़न, मैं कहना सब दे बच्चे उतों निकलन, जिन्हें भी गए सारा ग्रुप बना के वो कढ़न, तो साड़ी सरकार रशिया दे नाल कॉन्टैक्ट करके रशिया दे विच अपने प्लेन भेजे, जिस तरह रोमानिया च पोलैंड च जिस तरह भी वो भेजती पई है, वो अपने प्लेन कहीं भेजन तो वो साढ़े बच्चे उतों मतलब एयरलिफ्ट करा। मेरी बेटी है अरपनप्रीत 5वें साल च, उत्थे एक मेरी भतीजी है अकृति शर्मा, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਬੱਚਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਆਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਨੇ ਪੜਤੇ, ਆਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਜੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਣ ਮੈਂ ਰੁੱਝਾ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਚਾਹੀਏ ਇਤਨੀ ਤਕੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੀ, ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਖਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਤਾ, ਇਸ ਸੇ ਬੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹਮਾਰੀ ਕਿਆ ਹੈ।
इससे चाहिए जल्द से जल्द हमारे बच्चों को वहाँ से लेकर आए। रसिया के अच्छे संबंध है इनके साथ, यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध है इनके। क्या कोई ये नहीं काम कर सकता है? कितनी क्या बात है, ये इतना चौड़ा सीना लेके तुरया फिरता है, क्या करना है? क्या करेंगे नेक्स्ट? हम सड़क रोड पर जाएंगे, दिल्ली जाकर धरना लगाएंगे, और क्या करेंगे? और हमारे पास तो यही है ना बच्चों के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? ये तो मोदी जी को चाहिए, सेंट्रल मिनिस्टर को चाहिए, जो मिनिस्ट्री है जाके, ये तो कोई इतनी लंबी बात नहीं है।